तो आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं ना, ये जो दो कंघी देख रहे हैं ना, इससे बनाने वाले हैं। ये रेसिपी इतना यूनिक है कि आप एक बार देखोगे साथ ही साथ किचन में जाके बनाने वाले हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका टेस्ट तो गजब का है, मतलब क्या ही बताऊँ, आप सारा फास्ट फूड भूल जाओगे इसे खाने के बाद। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने एक कटोरी मैदा ले लिया है। अब आटा भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम नमक का यूज़ करेंगे अपने टेस्ट के अनुसार। यहाँ पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी देके एक डो तैयार कर लेंगे, जैसे हम रोटी के लिए डो करते हैं ना, इस तरह से। आप ये सेम रेसिपी आटे से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो डो है ये अभी तैयार है। छोटे छोटे बॉल्स निकालेंगे, ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे करके आपको बॉल्स निकालना है। हमने इस तरह से बॉल्स तैयार कर लिया है। यहाँ पे थोड़ी सी तेल देके, तेल घी आप जो भी चाहे दे सकते हैं। तो अभी हमने दो कंघी ले लिया है, तो इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें दो कंघी की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए बराबर शुरू करते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसानी से होगी इस तरह से। बस ये देखिए, अभी हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर, बाहर में भी अंदर में भी। इसी के साथ मैं और एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो कंघी है ना, ये बिल्कुल नया, ब्रांड न्यू है। हमने नया कंघी का यूज़ किया है। बाद में कोई कोई बोलते हैं कि कंघी पुराना कंघी छी वैसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है, नया है बिल्कुल। तो यहाँ से हम थोड़ा खैर ले लेते हैं, थोड़ा साफ देख के लेना है नीचे से। हाँ, इतना हो जाएगा, हो जाएगा, इतना नहीं चाहिए। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना ये पूरा डिज़ाइन। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाता है, पूरा शंख की तरह लगता है। तो अभी देखिए, ये होममेड स्टीमर जो है ना, इसके लिए इस तरह से एक कढ़ाई लेके यहाँ पे थोड़ा खैर, हम इसे खैर बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो, नरा खैर मुझे कॉमेंट में बताइएगा। ये देखिए ये है ना। तो अभी हम कढ़ाई को चूल्हा में बैठाते हैं, यहाँ पे पानी ऐड करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पानी दे देंगे। यहाँ पे केले के पत्ते रखेंगे और इसके ऊपर ये सब रखेंगे, थोड़ा गैप गैप में रखते हैं। तो अभी हम इसे इसके ऊपर रखेंगे और ऊपर से एक ढक्कन लगा देंगे। ये रहा, इसके ऊपर से एक ढक्कन लगा देंगे। अभी हम ढक्कन लगा देंगे और इसे 10 मिनट के लिए स्टीम कर देंगे। तो ये देखिए, हमने 10 मिनट स्टीम कर लिया है। अभी ये तैयार है, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से स्टीम हो चुकी है, बहुत गर्म है। तो इसे अभी निकाल लेते हैं, इसे निकाल लेते हैं। ये स्टीम हो चुकी है, देखिए। तो अभी हम इसमें थोड़ी सी तेल देंगे, प्याज, गाजर, पूरा फ्राई कर लेंगे एक दो सेकंड के लिए। अभी जाएगा कैप्सिकम। थोड़ी सी सोया सॉस, ड्राई चिली, काली मिर्च पाउडर, यहाँ पे देंगे नमक। और इसमें ना हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है सब्जी को, हाई फ्लेम में फ्राई करना है 1 मिनट से 2 मिनट के लिए।
यहाँ पे टमाटो केचप, तो अभी ये देखिए ये जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसका जो टेस्ट है ना ऐसा है कि आप एक बार बना के खाओगे तो बार बार आपके घर के बच्चे बूढ़े बड़े सब जीत करेंगे, इतना टेस्टी होता ही है। तो चलिए अभी हस्बैंड को देते हैं वो। तो ये देखिए हमारा जो देसी चाइनीस है वो तैयार है। ये इतना टेस्टी है ना कि एक बार बनाओगे तो बार बार खाने का मन होगा, मन ही नहीं भरेगा, पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भर पाएगा। करके बताइएगा कैसा हुआ है। वाओ पास्ता, अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं। कोई बात नहीं, ये गया मेरे मुंह में मस्त, एक नंबर।